ਆ ਇਹਨਾਂ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਮੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਮੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੈੱਡ ਕਨਸਟੇਬਲ ਦਾ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ अपनी मां समझा रहा मेरा नाम शरणजीत सिंह मैं गुराया का रहने वाला हाँ कुछ समय तो मेरे मम्मा ने जी गलबात और घर झगड़ा वगैरह चलता सगा क्योंकि मेरी मम्मी का चरित्र कोई ठीक नहीं सगा जिस करके मैं उन्होंने रोक टोक करता हूँ सगा ठीक है जी तो मैं कभी भी अपने ब्याह मानता नहीं सगा क्योंकि मेरा जो छोटा ब्रदर आ उस करके फिर मम्मी ने काफ़ी जोर पा के मेरा ब्याह करवा दिता सन 2014 जी फिर मेरे ब्याह तो बाद चो काफ़ी बंद का आना जाना हों जिस करके मैं अपनी माँ को समझाता सगा कि बगानी धी आने सामने सब कुछ चंगा नहीं लगता फिर मम्मी अपनी चीज़ा से अड़ी रही तो मम्मी अपनी गल्ला मनाते रहते होंगे सके जिस करके मेरी काफ़ी तुतू मैं होंगी सी फिर कुछ एक बंदा जोड़ा काफ़ी टाइम तो साढ़े घर आगा सवरूप सिंह वो फगवाड़े का रहने वाला आ उस बंद ने जाने की मेरी वाइफ पर गलत निगाह रखनी स्टार्ट करती जिस संबंध में मेरी वाइफ ने मैंने कई बार कहा पर मैं कई वेले इन्ना गौर नहीं करता सगा बार बार वो कहते जो मैं फिर महसूस होया मैं अपनी माँ ना गल की कि हाँ भी ये बंदा ठीक नहीं है ये घर नहीं आना चाहिए फिर मम्मी मैनू कभी खाने चो नशीलिया वस्तुआं देन लग पई कभी कोई दवाई दे देनी जिस करके मैं थोड़ा बेहोशी हालत रहने लग पे तो मेरी सेहत बहुत खराब हो गई जिस करके मैं हॉस्पिटल एडमिट भी रहा फिर मम्मा ने मैनू कहता कि भी तू नशे कोई करता है मैं धक्के नशा छड़ाओ केंद्र भेजता तो मम्मी तो उस बंद ने रल के मेरी वाइफ ने गलत हरकत करने की कोशिश की जिस तो बाद मैं नशा केंद्र तो मैं मेरे सहुरा परिवार छड़ा के लैके आया वो बंदे तो फिर आने जाने हो गए फिर मैं मम्मा ने समझाया पर बंदा तो घरों आनों हटिया नहीं जिस मेरी माँ पूरी इनवॉल्व सी फिर जो 2017 नवे साल के आए दिन 2 जनवरी की गल है जी रात को उस बंदे ने आके मेरी वाइफ के बाल वगैरह फड़े उन्हें रेप करने की कोशिश की जिसे बिच मेरी वाइफ ने अपनी बड़ी मुश्किल ना इज्जत बचा के मैं उठा लिया क्योंकि मैं सुता हुआ सर मैंने पता नहीं की देता सर उन्होंने उस बाद चो असी वो बंदे नू फड़िया मेरी ते मैं तो मेरी वाइफ ने असी कुटन भी लगे सके पर उसते डर दी मारो मेरी मम्मी तो वह बंदा घर दौड़े गए जिस दे जाने के बाद चो साडे ते कदी झूठियां रिपोर्टा इदा दी लग पे दरखास्तां दे लग पे गलत बंदे गलत जनानियां कि असी एजेंटी करते हैं फिर असी जो भी इंसाफ की मांग करते किसी पास सुनवाई नहीं होंगी हाँ जी हूँ की गल रही क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे इस करके क्योंकि हम सानू मारने लिए पैसे भी दिते हुए हैं जी मेरे साले तो किसी जनानी को झूठा परचा करवाता कि इन्हें उन्हें कोई गंदी हरकत की आ पर सारा कुछ झूठ है जी इस संबंध में असी थां थां असी खबर भी रिपोर्ट भी अपनी दरखास्तां भी दित्तियां पर उन्हां दी पहुँच बहुत मेरी मम्मी की उसके करके साडी किसी पास सुनवाई नहीं होंगी अज तो बस यही कहने कि पुलिस प्रशासन की निरपक्ष जांच की जाए जो सही आ तो फैसला किया जाए कि वह